सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने करीबियों पर आईटी रेड को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने आयकर विभाग के छापे पर दोहे के जरिए तंज भी किया। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, तुलसीदास जी कह गए हैं, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। वही अखिलेश के इस बार पर यूपी बीजेपी ने भी पलटवार किया। यूपी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग 2017 से पहले बड़े पदों का दुरुपयोग कर पैसे छापा करते थे, वो आजकल छापा शब्द कान में आते ही छटपटाने लगते हैं। तो देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव का तंज है, दोहे के जरिए उन्होंने तंज किया, तो वहीं दूसरी तरफ छापे को लेकर अखिलेश को बीजेपी की तरफ से भी घेरा गया। उधर 2022 के लिए चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव उम्मीदवारों पर मंथन लगातार कर रही हैं। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो रही है। प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में महिलाओं को 40% आरक्षण के तहत टिकट पर चर्चा भी हो रही है। वहीं इस बैठक में कई जिलों से आए आवेदन पर चर्चा की गई और महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने पर मंथन किया जा रहा है। बेहतर प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग कमेटी उनके नाम को लेकर चर्चा कर रही है और इसके बाद उन्हें टिकट बांटे जाएंगे। इस तरीके का प्लान तैयार किया गया है कांग्रेस में। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी पूरा जोर लगा रखा है। चंदौली के मुगल सराय बाजार में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव सरिता पटेल के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखाई दिया। जी, ये विरोध नहीं है, ये हम लोग एक मैसेज समाज में दे रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम महिलाओं को 40% टिकट दे करके राजनीति में आगे लाएंगे और महिलाएं इस समाज का नेतृत्व करेंगी, राजनीति में आएंगी, और उसी के स्लोगन के साथ हम लोग आज पूरे प्रदेश भर में ये मार्च निकाल रहे हैं और ये समाज को मैसेज दे रहे हैं कि महिलाएं कहीं से कमजोर नहीं हैं।